इधर मध्य प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने निम्न और मध्यम वर्ग पर बोझ डालने का काम किया। चुनाव में जनता के बीच में नारा दिया करती थी किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। सरकार में आई और बिजली का बिल बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। बिजली की अघोषित कटौती और बढ़ाए हुए बिजली के बिल स्पष्ट तौर पर अब सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये परेशानी आम उपभोक्ता की है और जिस प्रकार उपभोक्ताओं के साथ में अभी बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, निश्चित तौर पर ये निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के साथ में ठगी का काम है, धोखा का काम है।